हेलो गाइस, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। मैं हूं आपका न्यूज़ रिपोर्टर, मैं लाया हूं आपके लिए मोटो ब्लॉगर यूट्यूब कम्युनिटी के बहुत सारे इंटरेस्टिंग से अपडेट। अगर आप भी कुछ इंटरेस्टिंग सा करना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हुए सबसे पहले बात करेंगे राजा डीसी की। रिसेंट वाले ब्लॉग में राजा डीसी ने बताया कि वो जाने वाले हैं दिल्ली। सो फाइनली वो दिल्ली पहुंच गए हैं और दिल्ली में राइड करते हुए उन्होंने अपने गाड़ी की रैप्स वगैरह को अपडेट करने के लिए और गाड़ी में किस तरह की रैप वगैरह करेंगे इसी के बारे में बात कर ही रहे थे कि आगे चल के एक नाके पे उनको खतरनाक वाला सरप्राइज मिला। इसी के बारे में बात करते हुए राजा डीसी ने अपने वीडियो में क्या कहा और उनका सरप्राइज क्या था, आइए देख लेते हैं। अपनी आरआर भी बहुत बॉम्ब है, बट मेरे को ना सही बोलो तो भाई वाइट कलर में भी ना बहुत अच्छी लगती है। तो V3 बहुत जल्दी सोच रहे कि भाई इसका रैप ना चेंज किया जाए, तो इसका रैप चेंज करने के लिए हमें इसको भाई जम्मू वो क्रैश हो गया, पुलिस वालों ने पकड़ लिया, हो गया सीन। भाई हो गया सीन खतरनाक, भाई पुलिस वाले भी इतने खतरनाक लग रहे हैं ना भाई, मुझे देखो सर की भाई, आज तो भाई चलान पक्का है। सर इसको आगे एक यहाँ पे आती है और एक ऊपर स्टिकर में आती जरूर है, ये जी नहीं आती। जी सर जी। तो गैस हमारी दोनों बाइकों को रोक लिया, अब लगता है भाई सीज भी हो सकते हैं, कुछ पता नहीं क्या सीन है क्या नहीं, अभी देखते हैं भाई, शायद से उनका चलान वगैरह हो रहा है सामने। जी सर, पूरी पर टेपिंग करवा रखी सर, पता नहीं था जम्मू से एग्जाम देने, इन्होंने मेरे को आज बताया, इसलिए सर करोल बाग जा रहे हैं, अभी ये सब चेंज करवा देंगे और आप भी नंबर प्लेट भी सर आगे से मैं कंपनी वाली करवा दूंगा फिर। सर पीछे है बट इधर पता नहीं था सर। So, जैसे कि वीडियो में आप लोगों ने देख ही लिया होगा, राजा डीसी अपनी टेपिंग के बारे में अपने बाइक को मॉडिफाई करवाने के बारे में बात कर ही रहे थे और आगे चल के उनको पुलिस मिल जाती है, बहुत ही खतरनाक वाला सीन हो जाता है राजा डीसी के साथ। और वीडियो अगर आपको पूरा देखना है, चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के आप वीडियो में देख सकते हो कि आगे उनके साथ वहां पर क्या हुआ। सो इसी के साथ चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ, बात करेंगे अमीर माजिद की। रिसेंट वाले ब्लॉग में अमीर माजिद ने बताया कि उनकी गाड़ी की फर्स्ट सर्विस होने के बाद जो उनका S1000RR का इंजन है बहुत ही खतरनाक वाला परफॉर्मेंस देने वाला है। इसी के बारे में बात करते हुए अमीर माजिद ने क्या कहा अपने वीडियो में, आइए देख लेते हैं। बाइक 300 किलोमीटर मार पाएगी कल सर्विस होने के बाद, 300 ड्रैगन आर्म, 300 टैटू। इंजन नुकसान हुआ है उसके लिए, आई एम सो सॉरी, मैं क्या करूं, खड्डा आ गया, इन खड्डे में जाते ही अपना एलॉय जो था वो हल्का सा बेंड हो गया, मैंने बात कर लिया वैसे, सो जल्द से जल्द जो है अपना एलॉय वगैरह का सीन भी टर्न। सो जैसे कि आप लोगों ने सुनी लिया होगा अमीर माजिद कितना एक्साइटेड है अपनी बाइक को 300 मारने के लिए। सो आप सभी का क्या ओपिनियन है और कौन कौन एक्साइटेड, अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अमीर माजिद ने यह भी बता दिया कि एलॉय व्हील का जो उनकी गाड़ी का प्रॉब्लम हुआ था, जो मैंने आपके कल के वीडियो में बताया था, वो भी उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। और वीडियो अगर आपको पूरा देखना है, चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के आप पूरी वीडियो देख सकते हो। सो इसी के साथ चलते हैं अपने अगली स्टोरी की तरफ, बात करेंगे आल्यान ब्लॉग्स की। रिसेंट वाले ब्लॉग में आल्यान ने बताया कि जब वो ऑफरोड करने के लिए गए हुए थे और जब उन्होंने हायाबुसा के ऊपर ट्राई किया ऑफरोड करने के लिए, वो आगे जाकर हायाबुसा को रुकाने ही वाले थे, लेकिन उससे पहले ही उनकी गाड़ी क्रश हो जाती है, वहां से गिर जाती है और वहां पे रोड काफी खराब होने की वजह से हायाबुसा पर काफी सारे स्क्रेचेस वगैरह लग जाते हैं। इसी के बारे में बताते हुए आल्यान ब्लॉग्स ने अपने वीडियो में क्या कहा, आइए जान लेते हैं। गाइस मैं बोल रहा था, जो लोग हमें पहले से देख रहे हैं उन लोगों को पता होगा, हमने पुरानी हायाबुसा पे भी एक बार ऑफ रोड किया हुआ है, व्हाइट कलर की बुसा पे। ओ शिट यार, एक तो रोड भी, ओ आराम से। अरे यार क्रैश हो गई यार बाइक, टूटी तो नहीं? हाँ? अबे भाई ये मिट्टी से कैसे गिर गई यार, हैं? ये क्या सीन हो गया यार, हाँ यार गिर गई यार ये, कैसे, रुक साइड पे लगाता हूँ एक मिनट, पानी हट जरा यार, इसका टायर कैसे निकल गया इसके ऊपर से यार, मुझे ये नहीं समझ आई। सो फाइनली गाइस यहाँ पे चेक कर रहे हो यार, यहाँ पे अपनी हायाबुसा क्रैश हो गई, यहाँ से इसकी फेयरिंग टूट गई है, देख रहे हो यार हायाबुसा की यहाँ से फेयरिंग टूट गई हुई है यार। गाइस हायाबुसा को ऑफ रोड पे लाना बेवकूफी है यार, पर चलो यार अब सीन हो गया, अच्छी बात यह है कि ज्यादा। सो जैसे कि वीडियो में आप लोगों ने देख लिया होगा आल्यान ब्लॉग्स का, क्रश होने के बाद वो काफी अपसेट हो जाते हैं उनकी बाइक गिरने की वजह से। सो इसी के साथ उन्होंने वीडियो में काफी कुछ कहा है, चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के आप पूरी वीडियो देख सकते हो। सो इसी के साथ चलते हैं अपने अगली स्टोरी की तरफ, बात करेंगे दानिक राजपूत की। दानिक राजपूत ने रिसेंट वाले ब्लॉग में बताया कि कैसे एक लेडी कार चलाते हुए आती है और उनको ठोक देती है और उनके बाद उनके
बाइक का काफी सारा नुकसान हो जाता है। इसी इंसिडेंट के बारे में बताते हुए दानिक राजपूत ने अपने वीडियो में क्या कहा, आइए देख लेते हैं। सो गाइस देख रहे हो यार, अभी क्रैश हो गया था यार, आंटी ने ब्रेक ही मारी। ओ नो नो, ये छोड़ो, कुछ करनी है, ब्रेक ही मारी आंटी ने। वो ठीक कर ले, बाकी ठीक है ना। फालतू की यार, ऐसे यार देखो यार, सीट तो ठीक है। सो जैसे कि वीडियो में आप लोगों ने देख ही लिया होगा, दानिक राजपूत के साथ बहुत ही गंदा वाला सीन हो जाता है। उनकी गाड़ी को अगर कोई ठोक देता है बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है। और अगर वीडियो को पूरा देखना, चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के आप पूरी वीडियो देख सकते हो। सो फिलहाल आज की स्टोरी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपको नए मोटो व्लॉग और यूट्यूबर्स के अपडेट के साथ। वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और इसी तरीके से वीडियो देखना आपको पसंद हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।